क्या हुआ था भैया मामला? मैं रात को सो रहा था। साढ़े ग्यारह बजे मैं सो गया था भैया। 12:00 पे आ गया। 3 लोग आए थे, गोपाल गोविंदराम तेली, सुनील लाला और सुरेंद्र। इन 4 लोगों ने भैया मैं गेट बजाया, मैंने गेट खोला था भैया। गेट खोलते के साथ भैया को होश भी नहीं था, मैं नींदों में था भैया। नींदों में आते ही इन्होंने मेरे पेड़ तोड़ दिए भैया, सीधा डायरेक्ट पेड़ों मारा भैया मेरे। पहले पेड़ तोड़ दिया ना, तो मेरे को भागने का मौका मिला भैया, ना मेरे को संभलने का मिला। फिर इन्होंने मेरे को घसीट कर लाए बाहर चौराहे पे, मामा की दुकान चौराहे पे। उसकी वीडियो क्लिप भैया उसको वहीं पर ही है भैया, परियार फर्टिलिटी सेंटर में, वहाँ चौराहे पे कैमरे लग रहे भैया। उस कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है भैया। इन्होंने रोड से भाटे उठा के मेरे पैरों पर मारे भैया। ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, इन्होंने बस लोगों को मेरी सफाई देते थे मारने के लिए। भैया इनके पता नहीं राजनीति क्या चल रही थी, पर मेरे को खुद को नहीं पता कि बस ये सोचते हैं मैं उधर जाऊँ नहीं, कहीं आऊँ नहीं। यहाँ पर हर बात दबाते थे मेरे को। कौन से थाने में? गंज थाने में हमने एफ आई लिखाई भी रात को। पुलिस अभी तक तो आई नहीं भैया, आई थी शायद। आपका नाम? मेरा नाम राहुल सिंह सिसोदिया भैया। इन्फॉर्मेशन आई थी कि मामा की दुकान फाइसागर रोड पे कोई ललिता कंवर है, उनके बेटे के साथ मारपीट हुई है। उन्होंने रिपोर्ट दी थी मारपीट की, जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे अनुसंधान जारी है। मैडम कहा जा रहा है कि लेडीज़ को भी मारा उन्होंने? नहीं नहीं, इस तरीके से रिपोर्ट में कोई नहीं आया। बेटे के साथ में मारपीट होना बताया गया, बाकी और आज मुकदमा दर्ज करा है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई रंजिश थी क्या? रंजिश का देखो, अब वो उनके ललिता कंवर जी के और उनके बयान लेने पे आगे क्या फैक्ट निकल के आते हैं, उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है ना? ठीक।